आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज बिहार शरीफ कोर्ट में पेश हुए। दरअसल 2015 विधानसभा में विगत चुनाव के दौरान निर्धारित समय अवधि से अधिक समय भाषण देने के आरोप में उनके ऊपर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में जाप सुप्रीमो न्यायालय में उपस्थित हुए। वहीं कोर्ट में पेश होने के बाद जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आचार संहिता विरोधियों को परेशान करने का तरीका है, आचार संहिता मामले में हम निर्दोष हैं, न्याय व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। बोचहा उपचुनाव के सवाल पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि यह किसी की जीत नहीं है बल्कि अहंकार की हार है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो चुनाव जीतना संभव ही नहीं है। सत्ता पक्ष अपने तरीके से रख एसडीओ बीडीओ का इस्तेमाल करके गलत केस बनाकर हमारे ऊपर आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता देते मामले को लेकर रिव्यू करने की जरूरत है, विरोधियों का परेशान करने का सबसे बड़ा टूल बन गया है, हम ऐसे चीजों का विरोध करते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करने के लिए आज बिहार शरीफ कोर्ट में पेश होने आए थे। उनके साथ जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, हमारी बहन चुनाव लड़ रही थी, मैंने कुछ दिन भी कहा कि आचार संहिता एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार के लिए, जो अपने विरोधियों को परेशान करती है। इस आचार संहिता पर लोकसभा में पुनः एक बार समीक्षा होना चाहिए ताकि यह इंस्ट्रूमेंट ना बने, ये न्याय व्यवस्था के लिए कोई कानून बनना चाहिए। ये गलत है, गलत तरीके से आचार संहिता की धारा लगाई गई है और हम लोग इस पर निर्दोष हैं, हमने ऐसा किया। और कुछ पूछना? 2015 का मामला है, इनके ऊपर इनके जो प्रत्याशी थे अफरीना सुल्ताना, दोनों को मुदाले बनाया गया जानबूझ के, कल होके मुकदमा करके और आज आरोप का गठन हुआ। नेक्स्ट डेट सोमवार को है। क्या क्या धाराएं लगाई थी? धारा 188 है और पीपल थ्री पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अच्छा, आचार संहिता वही